तो भैया लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर चली आ रही अटकलों पर विराम लग गया। सीएस पद कौन संभालेगा, इस पर मोहर लग गई। हालांकि मुख्य सचिव पद की दौड़ में तमाम नाम शामिल रहे, लेकिन सभी को पीछे छोड़ 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन इस रेस में अव्वल रहे। जी हाँ, मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। सीएम मोहन यादव के पसंदीदा आईएएस अधिकारी अनुराग जैन वर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा की जगह लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल इसी महीने के अंत में खत्म हो रहा है, इसलिए पहली तारीख तक मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव का चुनाव होना था। इसी के चलते सीएम मोहन यादव कई दिनों तक दिल्ली दरबार में रहे। अनुराग जैन के नाम पर दिल्ली की भी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि चारों दावेदारों में अनुराग जैन ही ऐसे शख्स हैं जिनका दिल्ली दरबार से गहरा नाता रहा। इस समय अनुराग जैन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। हालांकि अनुराग जैन के पास केंद्र में सड़क और परिवहन मंत्रालय के साथ ही आवास और शहरी मामलों का अतिरिक्त प्रभार भी है। दिलचस्प बात ये है कि अनुराग जैन न केवल राज्य में बल्कि केंद्र में भी गहरी बैठ रखते हैं, साथ ही वे पीएम मोदी के खासम खास भी रहे हैं। नए मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन का चुनाव इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सीएम मोहन को केंद्र ने सीएस को चुनने की पूरी स्वतंत्रता भी दी। वहीं जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सीएम मोहन यादव ने भी ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिनके पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव और राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर प्रभावशाली पहचान भी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जैन को मुख्य सचिव पद के लिए अपनी प्राथमिकता बताया, जिससे स्पष्ट हो गया कि जैन की प्रशासनिक क्षमताओं और उनके राजनीतिक जुड़ाव ने उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बना दिया। प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही अनुराग जैन की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर सकता है, लेकिन ये तय है अनुराग जैन के सामने मध्य प्रदेश में राज्य के विकास और सरकार की योजनाओं से लेकर तमाम चुनौतियां भी होंगी। अब नए सीएस किस तरह से प्रदेश को एक नई दिशा और दशा की ओर ले जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक और नया अध्याय तो जुड़ ही गया है।